हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैथमेटिक्स आर्मी आवर टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल यूजिंग डिटर्मिनट्स ये आपके सामने एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला दिखाया गया है जो है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनंट क्या होगा वो हम इस एग्जांपल से समझते हैं जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हमें तीन वर्टिस दिए हुए हैं ट्रैंगल के जिसकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना है यूजिंग डिटर्मिनट्स तो उसका ये फार्मूला है ये फार्मूला कैसे बना जैसे हमारे पास पहला पॉइंट दिया गया है वन जीरो इसे हम एक्स वन वाई वन लेट कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट को एक्स टू वाई टू और नेक्स्ट को एक्स थ्री वाई थ्री लेट कर लेंगे और इसे इस डिटर्मिनेंट में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री पुट कर देंगे और लास्ट कॉलम में वन 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 लिख देंगे सो हेयर एक्स वन इज ईक्ल टू वन वाई वन इज ईक्ल टू जीरो एक्स टू इज़ ईक्ल टू सिक्स वाई टू इज़ टू ज़ीरो एंड एक्स थ्री इज वल टू फोर एंड वाई थ्री इज ल टू थ्री अब ये वैल्यूज़ हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बन गया हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वन ज़ीरो वन सिक्स ज़ीरो वन एंड फोर थ्री वन इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है कि कैसे करना है अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अब इस डिटर्मिनेट को हम रो वन के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर देंगे आप किसी भी रो या कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर सकते हैं आंसर फिफ्टीन बाई टू ही आएगा आंसर निकालने के बाद आपको पीछे स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्यर सेंटीमीटर स्क्वेयर में ही होता है इसलिए हम अपनी वैल्यू के पीछे स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे और एक इंपॉर्टेंट बात मान लीजिए आपकी डिटर्मिनट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसका मॉडल्स लेंगे और उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे जैसे आपके डिटर्मिनेट का आंसर माइनस फिफ्टीन बाई टू आता तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फिफ्टीन बाई टू स्क्वायर यूनिट्स ही लिखते क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता हम नेगेटिव वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड लेके उसे पॉजिटिव में ही लिख देंगे अब आते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर इस एग्ज़ाम्पल में हमें एरिया गिवन है और हमें एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो हमें के दिया गया है ठीक है तो हम वैसे ही अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे वही फॉर्मूला लेंगे सेम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे बट जैसे कि आपको दिख रहा है कि के एक एक्स कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है तो हम एरिया को प्लस माइनस फोर लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हम इसे एक्सपेंड करेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट टू के की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद और सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया है माइनस टू के प्लस एट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एट तो हम इसके दो केस बनाएंगे एक बार माइनस टू के प्लस एट को एट के इक्वल रखेंगे एक बार माइनस एट के और के की वैल्यू निकालेंगे पहले केस में के की वैल्यू ज़ीरो आई है और सेकंड केस में के की वैल्यू आई है एट तो हम लिख सकते हैं कि के की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और एट भी हो सकती है अगर आप सिर्फ फोर के इक्वल रखते तो आप एक वैल्यू मिस कर देते तो ये ज़रूर याद रखें कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो और एरिया गिवन हो तो आपको प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल लेकर चलना है और फिर के की वैल्यू निकालनी है अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स का जैसे हमें पहले तीन पॉइंट्स दिए होते थे वो एक ट्रेंगल फॉर्म करते थे और हम उसका एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाल लेते थे मान लीजिए वही ए बी सी पॉइंट अब एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए एक ही लाइन में है वो तीनों पॉइंट्स तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई ट्रेंगल तो बन ही नहीं रही उन पॉइंट्स की मदद से वो तीनों एक ही लाइन में हो गए तो मतलब वो क्लिनियर हो गए तो इसका हम कैसे यूज़ करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेंगल को ज़ीरो पुट कर देंगे अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलीनियर इसमें हमें ए बी एंड सी तीन पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है हम अपना वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रैंगल को जीरो पुट कर देंगे जैसे आपको दिख रहा है कि एक्स वन की वैल्यू इसमें है ए और एक्स टू की वैल्यू है इसमें बी और एक्स थ्री की वैल्यू है सी और वाई वन की वैल्यू है बी प्लस सी वाई टू की वैल्यू है सी प्लस ए एंड वाई थ्री की वैल्यू है ए प्लस बी इसे हमें डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले में पुट कर देना है अब हम इस डिटर्मिनट की वैल्यू निकालेंगे अगर इस डिटर्मिनट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो हो जाएगा और हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो यही हमें प्रूव करना है अब याद करो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनट में किया था कि हम डिटर्मिनंट की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगाते हैं अगर डिटर्मिनेंट डायरेक्टली एक्सपेंड ना हो रहा हो या फिर कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट ठीक है तो अब इसमें हम क्या करेंगे इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं आप रो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं जैसे कि आप रो वन रो टू को माइनस करेंगे तो ज़ीरो बनेगी और रो टू रो थ्री को माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो बनेगी तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर मेरे वाले मेथड से जैसे मैंने C1 और C2 को ऐड कर दिया मतलब कि मेरा कॉलम वन चेंज हो गया C1 वन प्लस सी में ठीक है? तो मेरे पास कॉलम वन में A प्लस बी प्लस सी बन गया तो मैं कॉलम वन से A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ तो A प्लस बी प्लस सी मेरा कॉमन आ गया और मेरा कॉलम वन भी वन 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 बन गया ठीक है या तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि कॉलम वन और कॉलम टू को माइनस कर दीजिए और जीरोस बना लीजिए और उसे एक्सपेंड कर दीजिए या फिर आप वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने किया था कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है आप कोई भी रीज़न लिख सकते हैं या फिर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं हमें बस डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपेंड करना है आप कोई भी ऑपरेशंस लगाइए जिससे आपकी डिटर्मिनट की वैल्यू निकलती हो वो ज़ीरो ही आएगी मतलब कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं और आंसर निकालना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत सो ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब मैथमेटिक्स आर्मी एंड प्रेस द बेलाइकन फॉर नेक्स्ट लेक्चर Thank you so much.